भगवान श्री कृष्ण दृष्टि नंबर है तंत्र आगे दो पर निकाल रहा है भगवान श्री कृष्ण उसी पर वो पर अपना पैर का प्रहार करके उसका सार भ्रम से खून निकल जाएगा काली पुष्ट हो गया भगवान श्री कृष्ण ने काली का वर्णन किया नाथ दिया देखिए जैसे भगवान श्री कृष्ण जब काली का अंदर कूद गए तो कालिया को नाथ करके बाहर निकले याद रखिए हम भी मानव जन्म करते हैं और हम भी मानव जन्म करते हैं जिस दिन मानव ध्यान करते करते गुरु प्रसन्न हो जाएंगे और कालिया क्या है जब हम आप बुद्ध करते हैं तो अधेरा लिखता है यही कालिया है सदगुरु सदगुरु निधि पुकार जिस दिन हम सदगुरु को पुकारेंगे मानस जाप करेंगे मानस ध्यान करेंगे और जिस दिन वो सदगुरु वहां से नहीं प्रभु जी महाराज इस खाली अगर हमें कूद जाएंगे तो काम बुद्ध को नाम करके बाहर निकल जाएंगे काम बुद्ध को नाम करके बाहर निकलेंगे इसलिए मानस ध्यान बड़ी युक्ति के साथ करना चाहिए दृष्टि योग की आप समझ ही रहे आसन नहीं रहे ध्यान रखना चाहिए बहुत प्रकाश में भी शब्द होता है प्रकाश में भी शब्द होगा अर्धव नाम कहते हैं जब से अर्धव हो सुनी इंद्री थकित गरीबन हुआ आशा सजल होनी इंद्रिया फल जाती है मन गल जाता है मन उल्टे तो सूरत खराब है सूरत का मतलब ख्याल होता है हम लोगों का ख्याल शरीर से मन से इंद्रियों के घाटों से निकल करके शुद्ध चली प्रभु देव को विष्णु से आशा छोड़कर शुद्ध परमात्मा से मिली दी जाएगी सात शब्द को पकड़ लिया ये सात शब्द मुझे पकड़ लिया तो सात शब्द को पकड़ने के बाद क्या होता है शब्द यदि शब्द मिल जाता है और यही काम करने के लिए हमारा जन्म हुआ है स्वामी विवेकानंद जी महाराज 1843 में जब धर्म के सम्मेलन में गए थे बड़े बड़े विद्वान धर्मधर भी वहां पर आए सबका प्रवचन हुआ था स्वामी विवेकानंद जी महाराज का भी प्रवचन हुआ उन्होंने एक दिन अपने प्रवचन में मानव जीवन की उपाधि का भगवान उसका शरीर क्या है ताजमहल है एक करोड़ों क्रिएशन है स्वामी विवेकानंद ने कहा था वर्क एंड प्रोडक्ट वेन आई हैव गॉन माई स्पिरिट विल वर्क विद यू द वेल्थ फेम एंड एंजॉयमेंट्स आर ओनली फॉर इम्पोर्टेंस दीज आर मोर्टल सो बी केयरफुल Understand up and act on the divinity, self-realization and deep consciousness. जीवन में काम करना चाहिए कैसा कर्म करना चाहिए तो इस काम कर्म करना चाहिए लोग महाराज को छोड़ करके दुनिया का कर्म करो गुरु को अर्पण करके संसार का कर्म करो पांचों पाप से अपने आप को बचाओ इस जीवन में ही प्रकाश मंडल से निकलते हुए सात शब्द को पकड़ो धन जवानी को सलाह देने वाले नहीं है धन को तुम छोड़ दोगे चाहे धन तुमको छोड़ देगा पद को तुम छोड़ दोगे चाहे पद ही तुम्हें छोड़ देगा इस जीवन में अगर ईश्वर की भक्ति कर लोगे तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा लेकिन धन संपत्ति मकान दुकान तुम्हारा भाई बांट लेंगे तुम्हारे परिवार वाले लोग बांट लेंगे लेकिन आप भी भजन करते हो सत्संग करते हो सत्संग करते हो ये और सब तुम्हारा है इसको मैं बात नहीं सकता अगले साहब ने कहा भक्ति बीज रजस नहीं जो जो जाए अनंत ऊंच नीच का जन्म ले तब वो सत्य को सत्य भक्ति बीज का नाश नहीं होगा भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ने पूछा भगवान से कि प्रभु आपका कोई भक्त है दीक्षा ले लिया भजन भी थोड़ा बहुत किया लेकिन पूरा भजन नहीं हुआ क्या उसकी दुर्गति तो नहीं होती आसमान में देखा जाता है काले काले बादल
मुरमुराते हैं, रहते हैं, वर्षा नहीं होती, तूफान का झोंक आता है और बादल तितर बितर हो जाता है, कि उसी प्रकार से प्रभु आपके भक्त का नाश नहीं हो जाता। भगवान कृष्ण कहते हैं नेहा मित्रो नाशस्ति प्रतिभायो विद्यते स्वल्पस्य धनस्य प्रायतो भक्तो भयात्। हे अर्जुन सुनो, जो व्यक्ति अपने थोड़ा अपने जीवन में थोड़ा भी संस्कार किया है, थोड़ा भी ध्यान निर्देश किया है, थोड़ा भी स्मरण किया है, उसका नाश कभी नहीं होता। 84 लाख लोग भुगतने के बाद वो क्या करता है, स्वर्ग के विशाल सुख घूमता है, श्रीमान को लेकर बोलता है, बार बार भजन करता है, बार बार उसका शरीर होता है और एक दिन मेरे को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सारे भजन के मन को लगाना चाहिए, करने की बहुत बात है। इस शस्त्र कारण हमारे परम श्रद्धे परमानंदी ज्ञान वृद्ध डॉक्टर साहब ने करवाया है, बड़े पुराने शस्त्र की है, परम गुरु भक्त की है। हमारे द्रौपदी साहब तो ही इसे करवा गए हैं, देखो इनका बेटा है, इनकी बेटी, सब इसी मार्ग पर चलते हैं और शस्त्र भजन में लगे रहते हैं और ये गृह प्रवेश करवाए तो अपने घर में शस्त्र करवा रहे हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं एक ही परिवार में सुख शांति हो, एक ही घर में इसी तरह से ज्ञान की गंगा बहे, सब महात्मा में सत्संग हो रहा है, जितने भी सत्संग भाई माता बहन इस सत्संग में आए हैं सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। जो हमसे बड़े हैं उनसे हम आशीर्वाद मांगते हैं, जो हमसे छोटे हैं उनके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। उनको चिरंजीवी करते हुए सत्संग में लगाइए, ईश्वर की भक्ति करें और अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु महाराज के चरणों में नमन, संत महात्माओं को नमन। आपसे जो कुछ गलती हुई होगी बोलने में वो हमारी है, अब जो हमारे उससे बढ़िया बात निकला कि हमारे गुरु महाराज की है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। हरे हरे।